असलम तो हाय गाइस कैसे आप लोग रहेगा मैं कॉल ब्रांड वीडियो के साथ मेरी अनोनिमस की पब्लिक आई नो आप गुस्सा हो आई नो आप बहुत गुस्सा हो बहुत ज्यादा गुस्सा हो मुझे पता है मुझे पता है कि आप लोग के माइंड में चल रहा है कि हम शाम को खाना खाते हैं सुबह खाना खाते हैं दोपहर में खाना खाते हैं जो सुबह सुबह नौ टाइम पे आती है लेकिन आपकी सस्ती शायरी नहीं आती भाई भाई तो भाई उसके लिए हम आपसे दिल से चाहते हैं प्लीज लाइक दबा दो यार करते हैं बातचीत शुरू करते हैं गेम पे लेकिन प्लीज दबा दो लाइक बटन आपके लाइक के बगैर आपको पता है फिर मजा नहीं आता और मुझे पता है इस वीडियो पे आप ढेर सारा प्यार दिखाने वाले हो तो अब से नहीं घुम होगा भाई इतना लंबा पक्का 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 बोल रहा हूं भाई इतना लंबा घुम नहीं होगा लाइक बटन दबा दो तोड़ दो फोड़ दो दबा दो लाइक बटन मेरी नॉन पब्लिक का से हम रख रहे हैं और मुझे पूरी उदीप थाउजेंड लाइक कर देगी यार। करना दबा के क्योंकि पता है लेकिन ऐसी बात नहीं है यार व्लॉग को भी आप लोग इतना प्यार देते हो कि मजा आ जाता है बाकी गेम की तरफ चले तो यार ये नया मोड हम लोग खेल रहे थे और यहां पर मतलब अभी ना मैं ये नए मोड में देख रहा हूँ चीजें कैसी कैसी है स्टार्ट किया खेलना इतना ज्यादा पता नहीं है तो मतलब बता ही रहते हैं इतना मुझे पता चला था कि यहाँ पर बंदा दोबारा से रिकॉल ऑटोमेटिकली हो जाता है भाई इतने बंदे आ गए यहाँ पर थर्टी सिक्स बंदे यानी अगर स्क्वाड्स के हिसाब से लगाए जाए तो नाइन स्क्वाड्स का हॉट ड्रॉप हो गया था और उतर ही आप के नॉने जो है ना गन और धौड़ 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 बंदों को इतना मारा इतना मारा इतना कि ढेर सारे बंदों को यार यार ओ ओ भाई 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 गन तो उठाने दे डीपी वाले तेरी भाई भाई तब गन तो उठाने दे अभी मैं कमेंट्री कर ही रहा था मार दिया इतने बंदे थे थोड़े भाई कितना कितना जाली में तू तो डीपी वाले मैंने आप सबको बता रहा हूँ भाई अभी डीपी वाले ने तो गलत कर दिया आप लोगों ने गलत नहीं करना बिल्कुल जरा इतना सा इतना सा भी गलत नहीं करना शेयर करना वीडियो को और बताना अपने दोस्तों को भाई गेम प्ले आ गया है अगर आप लोगों ने इतू सा ये काम नहीं किया तो फिर आपका ना मैं दोबारा छुट्टी पे चला जाएगा अच्छा 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 नहीं जाता नहीं जाता पक्का नहीं जाता मुझे पता है मुझे पता नहीं है मुझे पता है मेरी पब्लिक ऐसा नहीं करेगी बॉट भैया को आपने मेरा अभी छोटे घर के पास बंदे लैंड हो रहे थे जहां मैं जाना चाह रहा था वहां पर मैं नहीं जा पाया उसका रीजन ये है कि भाई लैंडिंग से पहले इन्होंने मुझे मेरा खोल के नीचे जमीन तो फेंक दिया था बॉड भैया को फिनिश किया इसकी मुझे गन चाहिए भाई रील रोड पर लग गई जिसको नॉक किया था वो वापस से रिवाइव हो गया जाकर गाड़ी अलग आ गई भाई क्या हो रहा है ये मेरा किल चुरा लफ दी लानत तूने मेरा किल चुराया गाड़ी वाले भाई बड़ा दुख होता है जब जबकि किल के ऊपर से कोई गाड़ी गुजार के चले जाता है ना इतना गुस्सा गुस्सा है है इतना ऐसी की तैसी तेरी भाई सोच लिया था मैंने वहीं जाके लेट रहे हो पहले भी मैंने वहीं जाके तुमको मारा फिर वहीं जाके ऐना कांडा बन गया भाई लेट के मारूंगा सांप बन गया था है ऐसे कैसे एक बंदे को मैंने डाउन किया मैंने क्या को बताया भाई यहाँ पर बंदा है अब इसने एक बार पीछ दिया मुझे पता था दोबारा खुजली जरूर होगी और खुजली हुई लेकिन हमने खुजली का इचिंग पाउडर लगाया बंदे को बकरा बनाया और बकरा बना के जम करके दीवार क्रॉस करके लॉबी भगाया आ हा 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 वो देखो वहां से भाग के साइलेंट भी आया लॉल मजाक कर रहा हूँ ऐसी बात नहीं है भाई यहाँ पर अब हमारे तीन किल हो जाते हैं लेकिन ना मेरे अंदर तो यार एक गलत आ, अब बहुत ही गलत आदत है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज इस बात को समझना बहुत अच्छे से समझना कि आपका नॉनवेज जो है ना वो गेम प्ले के चक्कर में ना कभी कभी अपनी गेम नहीं करता मतलब उसे होता है यार कम कि किल्स होंगे तो पब्लिक शायद गेम प्ले ना देखे या उतना प्यार ना मिले मेरे मन में ये चीज़ होती है तो समाइम जहां मैं मुझे होल्ड भी करना होता है मैं रश कर देता हूँ कि यार मेरे किल्स ज्यादा हो जाए और उस चक्कर में समटाइम मर जाता हूँ तो गेम प्ले भी नहीं बनता और ऐसे सीन ना गेम प्ले खराब हो जाता है ऑनेस्टली तो मुझे आप लोगों से ये पक्का श्योर करवाना है बोल तो भविन भाई अब जीरो किल भी करोगे हम देखेंगे लेकिन गेम प्ले में इंटेंसिटी होनी चाहिए तो मैं क्या करूंगा आइंदा से फिर अगर आप लोगों के कॉमेंट्स आए ढेर सारा प्यार है तो मैं नेक्स्ट टाइम से ना बहुत ध्यान से खेलूंगा दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस किल हो भाई सुकून से खेल के अच्छा गेम प्ले निकालूंगा किल्स के लिए भागूंगा नहीं तो इससे क्या होगा कि मैं बड़ा सुकून से और इंजॉय करके गेम खेल पाऊंगा अभी रश रश करना पड़ता ना तो मैं इन्जॉय भी नहीं कर पाता गेम तो इतना आप लोगों से चाहिए कि मुझे चैट में बता दो देखो आपके नाम किया बड़ा बड़ा मजेदार वन वी टू किया मौत को छूके टक से वापस आए लेकिन बात हमारी वही की वही रह गई भाई कि मुझे कमेंट में आप लोगों से पक्का प्रॉमिस करवाना है कि भाई भाई मुबीन आप कुछ भी पोस्ट करो हम देखेंगे लेकिन अपने 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 दिल से गेम खेलो, अपने तरीके से गेम गेम खेलो खेलो तरीके ये वाला गेम प्ले भी मैं ना रश के लिए खेला था क्या रश करता जाऊं और किस उठाऊं ज्यादा तो, तो पब्लिक देखेगी अब अगर ये चीज क्लियर होगी ना तो गेम खेलने में बहुत मजा आने वाला है और फिर मैं ज्यादा से ज्यादा गेम प्ले रिकॉर्ड भी कर पाऊंगा यार किल्स की टेंशन नहीं होगी अच्छा भाई अब हम चिंकी में आ गए तो यहाँ पर ना बंदे फाइट ले रहे थे पहले से तो मैं गाड़ी रोकता हूँ की यानी पिंडी में और जैसी इसकी बिल्डिंग पे जाता हूं ना। अब एक बंदा लेफ्ट साइड था एक बंदा सामने येलो बिल्डिंग था लेफ्ट साइड वाले बंदे को मेरे टीम ने रश कर दिया अब राइट साइड वाला बंदा जो है ना वो मार रहा था मेरे टीम को यहां से ना तो मैंने डिसाइड किया कि येलो बिल्डिंग वाले का फोकस अभी जो है ना वो है और मेरे टीममेट्स के ऊपर तो मैं यहाँ से क्रॉस करके सामने जा सकता हूं और मैं ऐसे ही करता हूँ क्रॉस करके आ जाता हूँ अब ये बंदे का साउंड मुझे आता है कि ऊपर ही खड़ा हुआ सीढ़ी पर मुझे डर लग रहा होता है कि मैं जैसे ही जाऊंगा भैया मुझे नॉक फिनिश कर देगा तो मैंने नेट निकाला नेट निकाल के कुक किया कुक करके फेंक दिया और भाई के जाके कच्चे में नेट फटते भाई भाई डाउन हो जाते हैं और फॉरन से फिनिश किया भाई को हमारे टीम को भी रिवाइव मिल जाता है भाई को डाउन करता हूँ ये शायद दो ही होते हैं बेचारे यहाँ पे बाकी भाई लोग पता नहीं कहाँ होते हैं इनके टीम फिर हम यहाँ से अपनी गाड़ी को निकालते हैं और और बंदे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं बाबा जी सामने ड्रॉप होता है ड्रॉप देख के आपका दिल वैसे ही गार्डन गार्डन हो जाता है तो मैं पहुंच जाता ड्रॉप पे लेकिन ड्रॉप पहुंचते हैं हमें पता चलता है ये तो पहले ही लुट चुका है भाई और जिन्होंने लूटा था वो बैठे हैं गटका में एम करके गोलियां पड़ने लगती हैं फ़ौरन से एक बंदे को डाउन करने की ट्राई की हेड हेड मैंने मारे बॉडी मैंने मारा टीम ने किल चुरा लिया भाई वाह भाई वाह तो फिर क्या होता है कि कि अब हम रश कर देते हैं देखी जाएगी ओहो एक भाई को मैंने देखा भाग क्या के घास में लेट गया भाई ऐना पौंडा है ना पांडा कुचल दिया भाई को हमने ऐसी शान भाई को पूछला आप सामने जो घर में बंदा था जिसको नॉक किया हुआ था अब यहाँ पे पब्लिक में थोड़ा समझ समझ के खेलने लगा ना कि यार ध्यान से खेलता हूँ नेट वेट करूंगा एक बंदा वहां पर आता है मारने लगा उसको अब मैंने नेट निकाला जब नेट निकाला वो बंदा भाग के आ गया अरे भाई अक्सर ये होता है जब आप नेट निकालते हो बंदा ओपन में आ जाता है जब आपके हाथ में गन होती है बंदा कवर में होता है ऐसे मेरे साथ तो होता है आपके साथ होता नहीं होता है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना अब पब्लिक इनका जो बंदा था ना वो सामने एक छोटे घर में भी गया था मुझे साउंड आया था मैंने वहाँ पे मौली फेंकी मॉली यहीं पर गिर गई एलो एल लॉल अब मैंने मॉली निकाली मॉली फेंकी अब देखना जरा पता नहीं चलता बंदा यहाँ को आया कब मेरे को भाई साहब खुद बताओ ये ये खड़ा ही यहीं था भाई पता ही नहीं था अचानक से सरप्राइज देस बंदे ने लेकिन यहाँ पे मैं बच जाता हूँ और मुझे रिवाइव दे दिया जाता है यहाँ से पास से गाड़ी गुजरती तो मैंने कहा लो हो गया भाई काम अब जो हम यहाँ पे फिनिश होने वाले हैं क्योंकि अलग स्कॉट का रश आ चुका है लेकिन वो गाड़ी पास में रुकती नहीं है ये अच्छी बात हो जाती है मुझे रिवाइव मिल जाता है मैंने यहाँ पे एक स्मोक करवा लिया था हील करता हूँ लेकिन जो बंदा बाहर वाले घर पे होता है ना वो अलग ही होता है तो ये बाहर वाला जब गेट दरवाजे के पास जब आया था ना जिसने मैंने नॉक किया ये पता नहीं यार कब आया था क्योंकि जो दूर था वो तो अभी रश करता है और इसको मैं डाउन भी कर देता हूं यहां पे बेचारे को पता नहीं था मैंने जिगल देने की कोशिश की लेकिन बड़ा सस्ते जिगल के साथ मैंने यहां पे जान भाई को डाउन कर दिया तू जान और तेरी प्यारी माँ तेरे लिए खाना लेकिन तू खाता नहीं है बाहर जाके चिप्स खा रहा होता है अब पे मैंने ना डिसाइड किया कि मैं ना वॉल्स के ऊपर से दीवारों के ऊपर से छतों के ऊपर से जाऊंगा उस बंदे पे रश करने के लिए लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ पी आर ए एन के प्रैंक होने वाला है क्यों अभी आप देखो जरा भाई सब जम करके मैं यहाँ बाउंड्री वॉल पे और जैसे ही अंदर जाने लगा ओ मैट जैसे ही जाने लगा भाई वो नीचे ही खड़ा था लॉल जान निकल गई लेकिन फाइनली 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 मैं इस बार नॉक नहीं हुआ और मैं टीम ने को डाउन कर दिया जो करवाई को डाउन किया ये वही थे जो गाड़ी में आए थे और जब मैं नॉक पड़ा था ना तो ये बेचारा अकेला ही था यहाँ पे हमने हिल वगैरह की हिल वगैरह करने के बाद भाई की क्रेट लूटी अच्छे से फिर हम यहाँ से निकले भाई और बंदे ढूंढने के लिए आठ किल मैंने कर लिए थे

दिन एक, एक, एक बनाई क्योंकि सी सी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यार इतनी रिलीफ दे दो अपने को जिस दिन ब्लॉग आए उस दिन समझो गेम प्ले की छुट्टी है जिस दिन गेम प्ले आए समझो ब्लॉग की छुट्टी है अगर एक दिन आपके आपने देखा गेम प्ले नहीं आ रहा तो जाके व्लॉग देख लो अगर आपने देखा नहीं आ रहा तो जाके गेम प्ले देख लो

और जब किल्स किल्स के चक्कर में ना मतलब मैं फिर इस तरीके से खेलना भूल जाता हूँ अभी सामने बंदे थे और मैंने ना ओपन में गाड़ी रोकी और इस चक्कर में ना बड़ा ही कबाड़ा हो गया था तो आइंदा सी मैं गलती नहीं करूँगा अगर आप लोग मुझे कमेंट में ढेर सारा प्यार दिखा के बताओ के कि कमेंट भाई अपनी मर्ज़ी से खेलो यार बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना मैं भी मरा मेरी टीम मेरी गलती से मेरे टीम्स भी मरे लेकिन खैर पा खेलो कमेंट में डन लिख देना इनशा में जल्दी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना दुआ में याद रखना दिल से लव यू मेरी की पब्लिक आप सबको आपको बहुत ज़्यादा प्यार अल्लाह